हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो कि आज तक शायद आपको किसी ने भी बताया हो, मतलब कि शायद किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा या बल्कि YouTube पे भी नहीं आपने ऐसा सुना होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ और आप देख रहे हैं पॉप इलेक्ट्रॉनिक्स माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक्स भी कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि ये हमारे पास रिले है जो कि ये 25 एम्पियर मिनी रिले है। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम मानते हैं, एक आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें आप समझे इसमें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला भी है। तो जैसे कि ये रिले है मेरे पास, तो हम स्टेबलाइजर में अपनी जो रिले यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में, जो हम चार रिले लगाते हैं अपने किस में लगाते हैं, अपने आईसी सर्किट पर लगाते हैं, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर किट्स पे हम जो कि 90 वोल्ट टू 300 पे चार रिले यूज करते हैं। तो दोस्तों उसमें रिले हम जो चार यूज करते हैं उसमें एक होती है हमारी टाइमर और हाई कट के लिए, और बाकी की जो तीन रिले होती हैं वो हमारी इनपुट और आउटपुट के लिए होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास जो चार रिले होती हैं, जैसे कि 90 वोल्ट टू 300 में हम जो चार रिले यूज करते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं अगर हम 25 एम्पियर की मिनी रिले यूज कर रहे हैं तो हम चारों एक ही साइज के लगाएंगे ना, और लगाते भी हैं, ठीक है। पर दोस्तों अगर उसमें से हम एक रिला जो कि हम लास्ट में जो एक रिला लगाते हैं, जो चार नंबर वाली जो रिले होती है, यानी कि जो टाइमर और हाई कट के लिए जो रिले होती है हमारी लास्ट वाली, अगर उस रिले पे हम जैसे कि अगर हमने 25 एम्पियर का मिनी वाला रिला लगाया है, अगर उसकी जगह पे हम छोटा वाला अगर रिला लगा देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 10 एम्पियर का जो मिनी रिला आता है वो लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली है या नहीं? जैसे कि अगर हम वहाँ पर जो छोटा रिला अपना लगाएंगे टाइमर हाई कट के लिए, तो वहाँ पर हम क्यों लगाएंगे, और अगर हम लगाते भी हैं छोटा रिला तो उससे कोई दिक्कत होने वाली है या नहीं? तो आखिर क्या कारण है जो कि हम वहाँ पर छोटा रिला अपना लगा सकते हैं, इसकी भी तो कोई वजह होगी ना। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं हम कि जो हम अपना जो बड़ा वाला जो रिला लगाते हैं, 25 एम्पियर का जो बड़ा वाला रिला लगाते हैं, तो उसकी जगह पर हम 25 एम्पियर का अपना मिनी रिले लगा सकते हैं लास्ट में, ठीक है, टाइमर हाई कट के लिए। अगर हम जैसे कि 25 एम्पियर मिनी रिले यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लास्ट में जो है अपनी 10 एम्पियर का रिला यूज कर सकते हैं टाइमर हाई कट के लिए, ठीक है। अगर हम जैसे कि 10 एम्पियर की सब रिले लगा रहे हैं तो हम लास्ट में अपना 5 एम्पियर का रिला यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम एक पॉइंट अपना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही तो गर्म होगा और ना ही तो जलने वाला, बिल्कुल भी आराम से चलेगा और हमारे उसमें पैसे बच जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब आप थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तभी आपका उसमें बेनिफिट बढ़ने वाला है। अगर आप थोड़े से ही सोचेंगे कि इसमें हमें थोड़ा सा मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, तो दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपका दुकान या बिजनेस इस तरीके से नहीं चलता है। तो दोस्तों एक रुपये से स्टार्ट होता है हमारा बिजनेस, जो कि हमारा 100 रुपये तक पहुँचता है, ठीक है। तो दोस्तों ये एकदम 100 रुपये से गिनती नहीं स्टार्ट होती है, 1 रुपये से ही स्टार्ट होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कि हम जो अपनी जो हाई कट और टाइमर के लिए जो छोटा रिला क्यों डालेंगे और क्या कारण है जो चलेगा नहीं, ठीक है। तो उसकी पहले हम समझ लेते हैं उसके बारे में क्यों नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हमारे पास चार रिले हमने लगा दी हैं, ठीक है, जो कि 25 एम्पियर मिनी की हमने चार रिले लगा दी हैं, ठीक है। अब हमने उसमें से जो लास्ट वाला जो रिला है हमारा, उसको हमने वहाँ पर 10 एम्पियर का लगा दिया, ठीक है, टाइमर हाई कट के लिए, ठीक। और जो कि हमारे पास 90 वोल्ट से 300 में हम चार रिले यूज करते हैं, और 90 वोल्ट से 440 में हम पांच रिले यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जो टाइमर और हाई कट के लिए चाहे 440 में चलाएं, चाहे तो 300 में चलाएं, चाहे किसी में चलाएं, फिलहाल जिसमें टाइमर और हाई कट लगे तो वहाँ पर हम छोटा रिला एक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि क्या होगा, हम तो बताएं, जैसे कि
तीन रिला जो हमारा 90 वोल्ट से 300 में हम चला रहे हैं, ठीक है, तो तीन जो रिला है हमारा, तो उस पर जो ट्रांसफार्मर की जो लूपें लगती हैं उस पर आपने देखा होगा कि हमारी जो टाइमर वाली जो रिले होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल ही फ्री रहती है, क्योंकि उस पर कोई भी लोड नहीं होता ट्रांसफार्मर की, नहीं तो कोई लूप लगी होती है, बल्कि हम खाली केवल उससे आउटपुट ही लेते हैं, ठीक है, और कुछ उस पर अपने हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो लूप होती है उस पर अटैच नहीं होती, बल्कि जो हमारे पास तीन रिले जो बचती हैं उसमें हमारी ट्रांसफार्मर की लूप अटैच होती है। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। हमारे ट्रांसफार्मर समझ लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, जैसे कि पहाड़ मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो पहाड़ है। अब वो पहाड़ है, ठीक है, और जो हमारी लूप है उनसे उन्हें समझ लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, यानी कि पहाड़ का जो है ये पत्थर है बहुत बड़ा, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हम जब अपना इनपुट में जब वोल्टेज देते हैं, मतलब कि जैसे कि हम स्टेबलाइजर में अपनी लाइन देते हैं, जैसे कि घर से जो घर में हमारी बिजली होती है तो हम अपने स्टेबलाइजर में ही तो पहले देते हैं, फिर उसके बाद स्टेबलाइजर से हम अपना आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने अपना जो बिजली दिया है स्टेबलाइजर को, तो ट्रांसफार्मर पहले पहुँचेगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर से हमारे रिले पहुँचेगा, ठीक है, रिले से जो है हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, तो जो हमारा जो लूप जो है वो बड़ा पत्थर है, एक पत्थर समझ लीजिए, पत्थर है, ठीक है। अब जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, अब जो हमारा ट्रांसफार्मर वो पहाड़ है, तो पहाड़ पर जैसे कि हमारा पत्थर जो है, यानी मतलब कि एक हवा में उड़ता हुआ पत्थर है, ठीक है, लूप जो है वो हमारी पत्थर है, बहुत बड़ा वाला पत्थर है। अब जैसे कि हवा जब चलेगी तो वो पत्थर आके एकदम जो है हमारे रिलो पे आके धड़ से गिरेगा, समझे दोस्तों। देखिए समझिए, फिर से समझिए ध्यान से, जो हमारा जो पहाड़ है ट्रांसफार्मर, जो हमारा पहाड़ है और लूप है हमारी पत्थर, ठीक है, तो जो पत्थर जो है अब हवा में है, ठीक है, अब जैसी हवा जो आएगी तो वो पत्थर को पहले गिराएगी, तो यानी जब पत्थर हमारा गिरेगा तो वो किस पर आके गिरेगा, यानी कि हमारे रिलो पे आके गिरेगा धड़ से। जब गिरेगा तो लोड किसके ऊपर पड़ेगा, जो कि हमारी जो जिन पे हमारी ट्रांसफार्मर की लूप जिस रिले पे लगी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी लूप जो जिस पे लगी होती तो वहाँ पे जो होता है काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, यानी कि उन रिलों पे बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी हाई कट वाली और टाइमर वाली जो रिले होती है वो बिल्कुल फ्री हो रहती है, क्योंकि फ्री कैसे रहती है, क्योंकि कॉमन से जो होता है, कॉमन से जब कॉमन शॉर्ट करते हैं लास्ट वाली रिले में, तो हमारा जो आउटपुट होता है बिल्कुल फिल्टर होकर हमें अपने टाइमर वाली रिले पर मिल जाता है, बिल्कुल आउटपुट फ्री में कभी मिलता है नहीं, मतलब कि फिल्टर होकर मिल जाता है, एकदम फ्री रहती है हमारी रिले टाइमर वाली, ठीक है, तो फ्री रहती है। तो इस कंडीशन में जो होती है हमारी जो, जैसे कि जब हम तीन रिले यूज करते हैं, ठीक है, टाइमर वाली छोड़ के जब तीन रिले यूज करते हैं, तो उन तीन रिलों पर जो होता है हमारा लोड ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, बाकी जो टाइमर वाली रिले होती है उस पर बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है हम अपना जो छोटा वाला रिला यूज कर सकते हैं, तो हमारा छोटा वाला रिला कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला, ठीक है। और जैसे कि अगर हम जहाँ पर हम इनपुट आउटपुट जहाँ पर ट्रांसफार्मर की लूप लगा रहे हैं, अगर वहाँ पर हम छोटा रिला कर देंगे तो वहाँ पर दिक्कत आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हम जिसमें बड़ा वाला रिला यूज करेंगे 25 एम्पीयर का, तो हम टाइमर हाई कट के लिए अपना 25 एम्पीयर का मिनी यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ पर हम 25 एम्पीयर मिनी यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम लास्ट में 10 एम्पीयर का मिनी यूज कर सकते हैं। अगर हम 10 एम्पीयर की रिले यूज कर रहे हैं, तो हम लास्ट में टाइमर हाई कट के लिए 5 एम्पीयर का यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक पॉइंट हम घटा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग समझ ही चुके होंगे, और मैंने बहुत अच्छे लेवल से समझाया भी है, और आपको पता भी चल चुका होगा कि हाँ इस वीडियो से हमें कुछ नॉलेज मिली है, मतलब कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज मिली है। तो आप लोग आज से ऐसा करें तो बेटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।